कॉफी और हर एक सीट भरी हुई है। कोल और सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से जाना जाए तो वो अपना आसनसोल है। तो यस, अभी मैं आसनसोल में हूँ और यहाँ से अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग अभी ब्लैक डायमंड पकड़ने वाले हैं, जो धनबाद से हावड़ा को जाती है, और धनबाद में उसका टाइमिंग है 4:30 के लगभग है। हम लोग आसनसोल से बोर्ड कर रहे हैं। आसनसोल से क्यों बोर्ड कर रहे हैं आपको तो पता ही होगा कि अभी हम लोग मेमो पैसेंजर से अभी आए हैं पुरुलिया से, तो इसको बोर्ड करते हैं। तो पहले बोर्ड कर लेते हैं, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि ट्रेन अब खुलने ही वाली है। अपने पास मुश्किल से 1 मिनट होगा, तो पहले बोर्ड करते हैं। और यहाँ पर अभी भी ये ब्लू ICF के साथ, मैं इसीलिए आया था, यही रीज़न था इसे कवर करने का कि ये अभी भी ब्लू ICF के साथ ही है, तो यही सबसे अच्छा चीज़ है। तो चलते अपने कोच पे। इसमें इस ट्रेन के बाद तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। आज संडे है फिर भी बैठने का जगह कोई कोच में नहीं है, जनरल तो छोड़ दीजिए, इसमें भी लोग सब सीट में बैठे हुए, कोई सीट खाली नहीं है। तो चलो देखते हैं अपने सीट पे कौन बैठा है, उठाते हैं। अपने निर्धारित समय में 5:37 में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपनी ब्लैक डायमंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिपार्ट करते हुए आसनसोल जंक्शन, और ये पूरे ब्लू ICF के साथ है। बहुत ही रेयर है अभी। Here we go. ब्लैक डायमंड की कलर के साथ साथ उसके नंबर भी कमाल के हैं, 22388। तो ये इसका रूट कुछ इस तरह का है कि ये अपना बराकर कुर्ती होते हुए सिद्धरामपुर के रास्ते आसनसोल, दुर्गापुर पानागढ़ होते हुए बर्दवान बैंडल के रास्ते हावड़ा को पहुंचती है। तो ये टोटल 5 घंटा लगाती है आपको धनबाद से आपको यहाँ तक हावड़ा तक, और आसनसोल से आपको 4 घंटा लगाती है। और इसका मतलब कि थोड़ा सा स्लैग ज़्यादा है, और इसको बैंडल के तरफ से लेके जाते इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, नहीं तो ये अपने ऑन टाइम पे चलती है, नहीं तो बिफोर ही चलती है। इस गाड़ी का पंचुअलिटी के नाम पे काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। और मतलब इस रूट का समझ लीजिए कि इसको हाई प्रायोरिटी ट्रेन माना जाता है क्योंकि ये डेली कम्यूटर्स लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं जर्नी कैसा होता है, और इसमें आपको स्नैक्स के भरपूर ऑप्शंस मिलेंगे, लोकल वेंडर्स बहुत ज़्यादा इसमें चढ़ते हैं, तो जो भी आएंगे मैं ट्राई भी करूँगा और आप लोगों को भी दिखलाऊंगा कि आप क्या क्या खा सकते हैं और कैसा कैसा टेस्ट है। तो जर्नी को एंजॉय करते हैं, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको जैसे जैसे होता है मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। और यहाँ पर हम लोग कुछ काली पहाड़ी स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, और हम लोग का नेक्स्ट हॉल्ट रानीगंज है। कुंभ एक्सप्रेस भाई, इसमें तो स्लीपर काफी कम कर दिया है, इतना छोटा ट्रेन कर दिया है। अभी हम लोग को बैक टू बैक क्रॉसिंग्स मिलेंगे और वंदे भारत भी मिलेंगे हावड़ा पटना, आइए देखते हैं। Here we are having a crossing of Patna Hawda Vande Bharat. क्या है टेक्नोलॉजी भाई, अलग टेक्नोलॉजी है।
मिनट की डिले के साथ अपनी कोल्डफील्ड सुपरफास्ट एक्सप्रेस रानीगंज पहुंच चुकी है और यहां पर ये अपनी 77 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करती है। तो आपको पता ही होगा कि रानीगंज किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोल प्लांट है और स्टील प्लांट भी है, तो यहाँ से सारे मतलब कि इंडिया में सप्लाई होते हैं। मैंने इससे पहले भी सारे ब्लॉग्स में बताया हुआ है, आप रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही मिनट का हॉल्ट है, तो अंदर चलते हैं और इसका जो कोच का कंपोजिशन है मैं आपको ये बता रहा हूँ। And we have arrived Durgapur. हंड्रेड किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपनी ब्लैक डायमंड सुपर फास्ट एक्सप्रेस दुर्गापुर आ चुकी है और 15 मिनट के डिले के साथ अभी चल रही है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, कवर हो जाएगा क्योंकि इसका पंचुअलिटी इसका सबसे बड़ा चीज़ है। तो अपनी धनबाद हावड़ा दुर्गापुर आपको पता ही है, अपने स्टील प्लांट के लिए काफ़ी फेमस है। हर एक सीट भरी हुई है, किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस पानागढ़ पहुंच चुकी है और यहां पर 15 मिनट के डिले के साथ चल रहे हैं हम लोग। तो कुछ खाने पीने का देखते हैं, और वैसे पानागढ़ अपने मतलब स्वीट्स के नाम से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस है और यहां पर अपने एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का बेस भी है जो दुर्गापुर डिवीज़न का है। तो देखते हैं, यहां का मिठाई से भूख थोड़ा लग गया है, तो देखते हैं ट्रेन में कुछ आता है तो खाते हैं। और यहाँ पे हॉर्न हो गया है तो अंदर चलते हैं। अपना अभी नेक्स्ट हॉल्ट आने वाला है मानकर, उसके बाद अपना है बर्धमान। तो बैक टू बैक एक्शन देखते हैं। और खाने का कुछ आ नहीं रहा है, उस टाइम आया था मैंने लिया नहीं, अब आ नहीं रहा है, देखते हैं क्या है नसीब में। सो वी हैव डिपार्ट मार्कर और यहाँ पर हम लोग 15 मिनट डिले पहुँचे थे। तो अब इसका कोच का कंपोजिशन के मैं बात कर लूँ अगर, तो इसमें 13 आपको जनरल कोच मिल जाएंगे और 4 आपको 2S के कोच मिल जाएंगे और 2 आपको AC चेयर कार मिल जाएंगे विद 2 SLR। तो इससे समझ में आ रहा है कि इसमें जनरल के कोच काफ़ी भर भर के दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें डेली पैसेंजर्स, आप अगर वीकडेज में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आज तो फिर भी खाली है आपका, नहीं तो इसका रिजर्वेशन में भी मतलब के पूरा भीड़ रहता है। जनरल में तो भीड़ अभी भी है, लेकिन रिजर्वेशन फिर भी खाली है आज, क्योंकि आज संडे है। तो अब नेक्स्ट हॉल्ट हम लोग का बर्धमान है, आपसे वहीं मिलते हैं।
आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 164 किलोमीटर वी हैव अराइव्ड बर्दवान जंक्शन। और इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ से दो तीन लाइन कटती है, एक कटवा की तरफ चल जाती है, एक सैंथिया की तरफ चल जाती है, तो इसीलिए। और एक जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं तो दो तीन लाइन है यहाँ पर जो आके यहाँ पे मिलती है। और बर्दवान तो आपको बहुत बार मैंने दिखलाया ही है, और अपना जो ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस है वो यहाँ पे राइट टाइम आई है। मैं बोला था ना कि इसका पंचुअलिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो देखते खाने का कुछ अगर मिलता है तो पहले वो जुगाड़ करते हैं क्योंकि भूख लग गया है। तो झालमुड़ी खाने का मन कर रहा है, देखते खोजते हैं क्योंकि बर्दवान जंक्शन में मतलब झालमुड़ी और लाल चाय आता ही आता है, तो देखते हैं। भैया बनाइए ना। तो ये सारा भीड़ आप जो देख रहे हैं ये बैंडल नहीं हट्टी का है। तो अपना ब्लैक डायमंड 232 किलोमीटर ट्रैवल करके बैंडल पहुंच गया है। बैंडल की अगर बात करूं तो ये एक जंक्शन है, और यहां पर आपको एक कठुआ की लाइन आके मिलती है, एक नैहट्टी की लाइन और एक हावड़ा की लाइन, और एक जहां से हम लोग आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर जंक्शन होता है, और यहां पर अपना हुगली इमामबाड़ा और बैंडल चर्च भी है, तो आए तो ज़रूर घूमें, टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहां के। और हम लोग का हॉर्न हो चुका है तो चलते हैं। डिपार्टिंग बैंडल विद अ डिले ऑफ जस्ट 7 मिनट। तो अपनी अब नेक्स्ट जो हॉल्ट है वो शिवरापुली हॉल्ट है, वो भी एक जंक्शन है, वहाँ से तारकेश्वर के लिए लाइन कटती है। और अभी बोलबम चल रहा है तो देखते हैं स्टेशन का क्या सिनेरियो है। और हावड़ा हम लोग देखते हैं राइट टाइम घुसते हैं कि नहीं है, कमेंट में जल्दी जल्दी करके बताइए राइट टाइम होगा कि नहीं होगा, देखते हैं बता पा रहे कि नहीं। जो जो यहाँ तक देख लिया है वीडियो वो जल्दी से कमेंट डाउन जल्दी जल्दी। और यहाँ पर आपको EMU सर्विसेज बहुत सारे दिख जाएंगे बैंडल से हावड़ा के लिए। क्या बोलते हो, पैरेलल एक्शन होगा क्या? होना तो नहीं चाहिए वैसे, बट EMU का कोई मतलब ये नहीं है। और यहाँ पर EMU सुपर फास्ट के औकात दिखाते हुए, लेकिन कोई नहीं, अपने जीतेंगे। और यहाँ पर EMU को उसकी औकात दिखाते हुए, गया हावड़ा। तारकेश्वर से आ रही है,
सो 270 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस हावड़ा पहुंच चुकी है और यहां पर हम लोग 12 मिनट की डिले के साथ आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, 12 मिनट एडजस्टेबल, एक दो घंटा तो वो तो नहीं हुआ। तो अगर मैं ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेन का पंक्चुअलिटी बहुत अच्छा है, इसीलिए इतने लोग चूज़ करते हैं, देख सकते हैं। और मेरे पीछे बहुत कोई है, पूरा जर्नल पीछे ही था। तो ट्रेन काफ़ी अच्छा है। और बात रहा इसका अगर फूड का, तो इसमें लोकल वेंडर्स आपको इतना दे देंगे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये एक मतलब के लोकल एम्प्लॉय लोग के लिए है जो डेली ट्रैवल करते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। देखो, ट्रेन अगर पंचुअल अगर रह रहा है तो वही सबसे बड़ा चीज़ है। और आइए इसका लोको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या लोको है इसका। जो ये ब्लैक डायमंड बोर्ड जो लिखा हुआ है, ये बहुत ही पुराना बोर्ड है और इसको हावड़ा का वैव 7 मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले इसको वैव 5 मिलता था, मैंने इसमें पहले ट्रैवल किया हुआ है तो पहले इसको वैव 5 मिलता था, लेकिन अभी वैव 7 मिला हुआ है। वैव 7 का जलवायु अलग होता है। अगर मैं इस ट्रेन का सीट अवेलेबिलिटी का मैं बात कर लूँ अगर, तो इसमें अगर 30-40 भी अगर वेटिंग रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो मतलब काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है, सीट जल्दी इसमें मिलता नहीं है, टिकट जल्दी मिलता नहीं है, आपको पहले से करा के ही रखना होगा। स्टेशन का मैं क्या ही रिव्यू दूँ, ये तो अपना होम टाउन ही है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और काफ़ी टायर्ड भी हो चुका हूँ, संडे ख़त्म, बैक टू नॉर्मल बिजी शेड्यूल। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग। मी शोएब साइनिंग ऑफ फ्रॉम शोएब बॉय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कीप रेल फैनिंग।